कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं से ड्राइंग बनाऊंगी? मैंने कह आपकी ड्राइंग देखी, रहे लग रहा है कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं से ड्राइंग बनाऊंगी? हो? आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग भी बनाओगे, ये इससे अच्छा बना पाओगे, बस करते चलो। राइट। कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं से? नहीं मैं क्या असली हूँ? अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसके इधर जो एजेस हैं इस पे थोड़ा सा डार्क शेड लगा रहा हूँ। सर ये डार्क मैरून है। हाँ, ये मरून लिया है फिलहाल मैंने, और वैसे तो इसके ओके ऊपर ब्लैक लगेगा, ब्लैक के कुछ और डार्क ब्राउन के जो बियर्ड में आप देख पा रहे हो, तो वो सब चीजें आएंगी। आज मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, मेरा ढंग से नहीं बन रहा आज। बाद में अभी बना मैंने लो। फोन भी किया था वो फिर। हाँ बस वही वही होता है ना, बात बात बीच में ना कट जाती है ना वॉइस, वो फिर ढंग से होता नहीं। मैं वही कह रही हूँ जितना बनता है अभी बना रही हूँ। राइट। तो यहाँ पे जब डार्क टेक्सचर आएगा तो काफी बेटर हो जाएगी चीजें। राइट। सर इसको लाइन सीधी की सीधी ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें या हल्का सा मर्ज करते हुए करें? ये मर्ज करते हुए करना है, वैसे अभी तो मैंने एक शार्प लाइन दी है ताकि मुझे सेपरेशन पता चल पाए कि नेक कहां पर है और ये जो इसकी जॉ लाइन है वो कहां है। ओके इसके लिए मैंने एक लाइन जो है वो बना दिया है। ओके राइट। और यहां पे आप लोग देख पाओगे कि ठीक ये है। जो पार्ट है ये काफी हद तक अलग सा ही दिख रहा है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन यूज करेंगे। यहाँ पे ओके ब्राउन यूज कर सकते हैं, डार्क ब्राउन, जैसे कि ये है हमारे पास, और डार्क ब्राउन ये अप्लाई करते हैं। राइट। तो इसे थोड़ा सा लाइट लाइट, अगर मुझे ब्लैक लगाना भी होता है तो आपको पता ही है कि ब्लैक के बेस पे भी मैं डिफरेंट कलर्स को पहले अप्लाई करता हूँ और फिर ऊपर से ठीक ब्लैक है ऐड करते हैं, क्योंकि डार्क शेड लगा के ब्लैक लगाना और डायरेक्टली ब्लैक लगाना दोनों में डिफरेंस होता है, तो ओके इसलिए यहाँ पे एज पे डार्क की जरूरत है, और इसके ऊपर जो है थोड़े से टेक्सचर होने चाहिए, तो टेक्सचर को भी हम बाद में एड ऑन कर देंगे। ठीक है ये वाला पोर्शन तो काफी ज्यादा डार्क है, तो लेयर बाय लेयर डार्क ऐड करते हैं हम कलर पेंसिल में। ठीक है, तो पहले लाइट कलर्स चलाते हैं, उसके बाद उससे डार्क, फिर उससे डार्क। ओके आपको वैल्यू वाइज सोचना पड़ता है कि डार्क वैल्यू की जो एरियाज हैं कौन से हैं, लाइट के कौन से हैं, उससे लाइट के कौन से हैं। अब यहाँ पे फिलहाल अभी व्हाइट छूट रखा है, तो क्या यहाँ पे व्हाइट ही होना चाहिए? बताओ। सर मैंने तो व्हाइट ही छोड़ा है, अभी आना चाहिए सर ताकि वो थोड़ा सा भूरा वा निकल के दिखेगा। व्हाइट ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट, अभी जो बेस पे तो हमने कलर लगा रखा था आपको याद होगा, तो हाँ स्किन कलर तो लगाया हुआ है पीच सर कलर ऑलरेडी। लगाया था लाइट, इससे कंपेयर करोगे तो दिखेगा। अभी हम और डार्क करेंगे, हाँ जी और डार्क करेंगे तो वो तो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा वो। ठीक है सर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, जी हल्का सा मैं रेड लेता हूँ और इस कलर पे हल्का सा बेस लगा देते हैं।
बेसिकली वो मर्जिंग के तरीके से आपको ये चलाना है कि ये मर्ज होता हुआ दिखाई दे यहाँ पे, और स्किन टोन है, स्किन में हल्का सा रेडिश टच है। ये एरिया यहाँ पे ज्यादा डार्क है, ये जो डेप्थ है चिन में। यहाँ पे एज पे भी आप लोग डार्क देख पा रहे होंगे, और ये वाला सेक्शन तो देखो काफी डार्क है ना, तो इस पे डार्क और लगा देते हैं। सर ये वो ब्राउनिश डार्क ब्राउन ही यूज कर रहे हैं ना अभी आप? राइट, ये डार्क ब्राउन कलर ही है। ठीक है ठीक है। इसको देखो कितना हल्का हल्का एक टिंट जो है वो मैं लगा रहा हूं ट्रांसपेरेंट वे में। हां जी सर। नेक पे आपको कौन सा टोन नजर आ रहा है? अभी तो सब पीच कलर ही नजर आ रहा है बस। नहीं नहीं, आपके रेफरेंस में, रेफरेंस में अगर देखोगे तो, रेफरेंस में देख के बताओ क्या लग रहा है, कौन सा टोन होगा? सर मुझे तो ब्राउन लग रहा है। तो इसमें ब्राउन है, लेकिन जो ये ब्राउन है थोड़ा सा रेड भी इसके अंदर आएगा, राइट? तो रेड का भी इसके अंदर टच होना चाहिए, जैसे ऊपर भी आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश, वही रेडिश जो है वो इधर चाहिए, तो हम इसको इधर भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन बहुत हल्के वे में, क्योंकि डायरेक्टली जो कलर हमें चाहिए वो इसमें है नहीं, तो हम इसमें लाइट लाइट जो है एक लेयर लगा देंगे रेड कलर की। और फिर इसके बाद इसको और डार्क कर देंगे। ये वाला एरिया तो बहुत डार्क होना चाहिए। फिर इस वाले एरिया में भी एक बेस तो होना ही चाहिए। जो डार्क है वहां पे तो हम रेड भी थोड़ा सा और चला देते हैं, थोड़ा सा डार्क प्रेशर से। ये वाला सेक्शन देख पा रहे होंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, एंड ये पोर्शन ज्यादा डार्क है तो इस पोर्शन को और डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक और लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन हल्के से लाइन आप पेंसिल से ही बना सकते हो और फिर इसे डार्क कर सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, ये पता है किसी को? नहीं सर मेरे को नहीं पता। नहीं सर, हिंदी में तो शायद, या हमारी देसी लैंग्वेज में तो इसको टेटुआ बोलते हैं ना। टेटुआ सर पंजाबी में कोडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं पंजाबी में? कोटी। कोडी कोटी कोडी। ओके, अब
बच्चे गुद्दी बोलते हैं, गुद्दी सेक देंगे गुद्दी तो उसको सर बच्चे अच्छा अच्छा उसको बोलते हैं अच्छा पता नहीं बच्चों के मुंह से सुना हुआ है एक बुद्धि बुद्धि पे दूंगा तेरे ऐसे बोलते हैं। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, पहले तो हम अपने टीचर्स से कितना डरते थे, आपस सामने से निकल जाएं तो हम वहीं से मुड़ जाते थे, अब आजकल के बच्चे साथ साथ ही चलेंगे हमारे। पहले के बच्चे फ्री भी होते थे ना टीचर्स के लिए मारने के लिए, इसलिए कंट्रोल में रहते थे। हाँ जी सर, अभी अभी भी वैसे कर दो फ्री टीचर्स के साथ कि भाई मारो जितना मारना पीट रहे हैं, लेकिन अब अलाउ नहीं है। हाँ जी सर, कितने अलाउ नहीं है सर, टीचर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा अगर ऐसा कोई निकाल दें। बट हम तो जब भी अपने बच्चों के उसमें बोलते तो सीधा बोलते हैं कि मैम आप अपने हिसाब से जो करना है वो करो, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट पेरेंट्स ही बच्चों के सामने बोलते हैं ना कि आपने हाथ कैसे लगाया, मारा कैसे, तो वो पेरेंट्स ना ज्यादा, वो बच्चे ज्यादा और ओवर स्मार्ट होते हैं कि मैडम तो हमें कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ। जब पेरेंट्स आके बोलते हैं तो हम तो अपने बच्चों के सामने सामने बोलते हैं मैम आपके ऊपर है, आप जो करना है करो, जो वो करना है वो करो, कोई हमारी तरफ से ये नहीं होगा कि हम आएंगे। तो बच्चों को थोड़ा खौफ भी रहता है कि हाँ भी मम्मी पापा ने कुछ बोलना नहीं है तो थोड़ा सा टीचर से डरेंगे। नहीं तो बच्चे आजकल के तो उनको पता है अभी मैडम ने कुछ करना नहीं है तो और भी सर पे चढ़ के बैठते हैं। तो कुछ होगा ही नहीं, हमारा हो ही नहीं सकता। सर अगर गलती से किसी को गलती से मार भी दिया ना तो इंस्टेंट फोन आ जाता है छुट्टी होते ही किस टीचर ने हमारे बच्चे को मारा है। देखो यहाँ पर ना हमें एक लाइट ब्राउन, ठीक है ये वाला पोर्शन, तो मैं क्या करूँ उसका भी व्हाइट, उसको मैं कुछ ज्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ और बाकी एरियाज में डार्क शेड करता जा रहा हूँ, अप्लाई करता जा रहा हूँ ये, और इसको ऑल्दो और डार्क करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे काम इस पर बढ़ता है और इसका जो फील है वो आता जाता है। आप इसमें डार्क शेड लाइट शेड प्रॉपर वैसी शेप में, जैसे शेप में सामने दिख रहा है वैसी शेप में यहाँ पे लगाते जाओ, वो चीज बनती जाएगी। राइट, इसकी शेप को ध्यान से देखो, अभी मैंने एक डार्क टोन लगाया है लेकिन इससे ज्यादा डार्क टोन और होना चाहिए, ये वाला पोर्शन भी और डार्क कर देते हैं, यहाँ पे तो ब्राउन काफी ज्यादा है। तो ये ब्राउन में और डार्क है नहीं, तो हमें कलर्स को मिक्स करके ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डार्क करने के लिए और कौन सा कलर हम लोग यूज कर सकते हैं बताओ? सर नहीं आइडिया कुछ भी। बाकी जगह पर हमने कौन सा करा सर? वही ब्राउन के शेड डालेंगे आई थिंक। इसमें हम लोग जो हमारे पास सामने कलर्स अवेलेबल हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें जो फिट होता है ये मरून कलर ही फिट होता है, मरून कलर से हम इसके और डार्क शेड्स को निकाल सकते हैं। राइट, ओके, क्योंकि हमें शेड्स को चूज करना है जो हमारे पास पैलेट अवेलेबल है, पैलेट मतलब ये जो हमारे पास कलर्स हैं इन्हीं में से हमें कलर्स को पिक करना है, और ठीक है इन्हीं को ही मिक्स करके हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। तो ये वाला एरिया डार्क है, फिर इस तरफ का जो एरिया है इसे भी हम लोग थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, पहले थोड़ा सा रेडिश कर दें इसको।
अब इसके बाहर का जो कलर है ना वो ग्रे है, जो इसमें इसका जो कपड़े पहने हुए स्वेटर जो है वो ग्रे कलर में है। अब इसमें टेक्सचर बहुत है, टेक्सचर को चाहो तो बना भी सकते हो, बस वही है टाइम कि उसमें टाइम काफी लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पेशेंसली आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उसको तो बन भी जाएगा वो। एग्जैक्टली सर आप बता देना कैसे कैसे बनाते हैं, हम बना लेंगे। राइट मैं उसको बता दूंगा, हम लोग थोड़ा सा पार्ट करके देखेंगे हाँ जी सर कैसे बन सकता है और हाँ फिर जी सर हाँ जी सर कंप्लीट। अब जो ये सेक्शन है ये काफी अंदर की तरफ है और डार्क भी है, तो अब इसमें एक मरून को थोड़ा सा और अप्लाई करता हूं मैं। आईज को स्क्विंट करके देख रहा हूं मैं बीच बीच में, जिससे कि मुझे और आसानी हो जाती है इन चीजों को पहचानने में कि ये कैसी शेप में लगा है और कितना डार्क टोन लगा हुआ है। राइट तो आप लोग भी बीच बीच में अपने आर्टवर्क को अपनी आईज स्क्विंट करके देखें, आईज को हाफ क्लोज करके देखते रहें। अब ये लाइन अभी सीधी बनी है लेकिन सीधी है नहीं, नीचे से क्या होना चाहिए आगे यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली मर्ज हो जाएगा। ये पीछे की पीछे की साइड को डार्क आएगा, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ सर पीछे की साइड को डार्क आएगा ना ब्राउन कलर पीछे यहाँ पर। हाँ यहाँ पे भी ब्राउन आएगा। हाँ जी right? नहीं नहीं जो आपने ये सेंटर में जो लाइन बनाई है ना सर, तो जो लाइन बनाई है इसके बैक साइड में डार्क जाएगा ना, अपर साइड के बजाय बैक साइड में डार्क आएगा ना। हाँ जी ये वाला ना। हाँ ये भी डार्क आएगा, जो सेंटर में लाइन बनाई है ना सर आपने। हाँ नहीं सर सर आप एक मिनट ना मेरा देखो, आपको आप समझ नहीं पा रहे शायद सर। मैं कह रही हूँ कि ये जो हम ये जो आपने लाइन बनाई है ना सर, राइट ठीक है सर, मैं जो कह रही हूँ ये वाली जो है आप इधर की साइड हमको डार्क ब्राउन करना है ना, बजाय इसके ऊपर के हमने इधर की साइड को डार्क ब्राउन डालना है ना। हाँ राइट राइट एग्जैक्टली है ना सर। हाँ ठीक है ठीक है। जो ज्यादा डार्क होगा वो इधर होगा, लेकिन इधर पे भी हमें डार्क करना है। नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे वो डार्क जो है वो आगे मर्ज हो रहा है। राइट ठीक है ठीक है ठीक है। पहले बेस पे हमको पिंक रेड कलर लगाना है, देन उसके ऊपर ब्राउन डालना है ना सर। हाँ देखो मैंने बेस पे सबसे पहले क्या कौन सा कलर चलाया, जो पीच कलर था। राइट ये पीच हाँ कलर जी, हाँ जी, बेस हाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उसका डार्कर हाँ कलर लिया, उस पर हल्का सा रेड का टोन लगाया और ब्राउन। ठीक तो है बेसिकली ये ठीक तीन है कलर ठीक है। चल रहे हैं और मरून से और डार्कनेस ऐड करी मैंने, तो ये ओके चार कलर ओके से सर। मेजरली जो इसमें यूज हुए। ठीक है अब इसके ऊपर और भी कलर्स आएंगे डार्क, वो ये जो स्टेडलर्स के ये एक्वेरियल कलर है, हाँ जी इसमें कोई ब्लू जैसे कि लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर ही रहे थे, इसमें थोड़ा सा ना स्किन टोन को लेके शेड्स थोड़े कम है, ब्राउन के शेड्स थोड़े से और हो सकते थे। हाँ जी हाँ ब्राउन में सिर्फ एक ही कलर मिलता है ये, कलर कम डाले। क्या कह रहे हो दिव्या? प्रिज्मा के कलर्स कैसे रहेंगे अगर हम उसको प्रिज्मा से बनाए? प्रिज्मा के कलर्स इस तरह से नहीं चलते, वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से चलते हैं। होते हैं वो। हाँ तो उनको यूज कर सकते हो, बेसिक तरीका तो यही रहेगा जैसे आप इसको चला रहे हो मर्ज करने के लिए। हाँ। और वो थोड़े से वैक्स बेस्ड रहते हैं। अच्छा उसके बाद मर्जिंग टूल भी तो आता है ना मिक्स करने के लिए? मैंने कभी यूज किए नहीं वैसे प्रिज्मा कलर, ओके यूज करने देखता हूँ अगर कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ इतने महंगे कलर्स को यूज करने का करेंगे। मैं तो मेरे भाई से मंगवाए थे यूएसए से, अच्छा वहां पे बहुत सस्ते मिल गए थे, मतलब यहाँ पे जो 18,000 का मिलता है ना 150 कलर्स वाला, उसने 6,000 का मिल गया था उसे वहां पे। इतना डिफरेंस, बहुत डिफरेंस था। मैं तो अभी वो फिर आएगा, मैंने उसे मंगवा रखे, मैंने कहा एक और ले आइयो। ये मेरे लिए मंगवा देना फिर। ठीक है सर मंगवा दूंगी, वो आएगा जून जुलाई में आएगी सर, मंगवा दूंगी जून जुलाई में। हाँ वो तभी आता है।
ठीक है, जून जुलाई भी अभी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, तब तक तो मैं आपके इंस्टीट्यूट में भी आना शुरू हो जाऊंगी। पिछला साल भी ऐसे खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, नहीं सर, तब तो मैं आपके इंस्टीट्यूट में भी आपको मिलूंगी। हमारा पिछला साल दंगों से शुरू हुआ था। अब ये वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा थोड़ा सा मरून का यूज है, तो यहाँ पे हम लोग मरून ऐड करते हैं थोड़ा। देखो बहुत, जब भी डार्क कलर भी चलाओ तो थोड़ा सा हल्के हाथ से चलाओ, थोड़ा प्रेशर आपका थोड़ा लाइट ही होना चाहिए। ये इस तरीके से आप लोग यूज करो इसको। तो अभी आप लोग ये देख रहे होंगे इसकी डार्कनेस, इस एरिया को मैं थोड़ा सा फाइनल करता हूँ। चलो ये वाला एरिया, यहाँ पे जब भी अगर आप डार्क शेड भी अप्लाई करोगे तो उसके एजेस को इतना डार्क मत होने देना या शार्प मत होने देना, उसको थोड़ा सा ब्लेंडेड ही रखना। और ये अभी लाइट है, लेकिन इसे थोड़ी देर में इसमें हम जब डार्क शेड लगा देंगे तो फाइनल वैसा लुक आ जाएगा इसका जैसा होना चाहिए। यहाँ की तरफ जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश ज्यादा है, तो उसमें मुझे ये वाले कलर का फील दिख रहा है, तो ये वाले कलर को यूज करेंगे हम इसके ऊपर डार्क करने के लिए। ये जो आप एरिया देख रहे हो, और इसको इस तरफ थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा क्लोजअप करूं। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये ठीक है। यहाँ पर हम क्लोजअप में देखते हैं, यहाँ पे मैं डार्क जो है ब्राउन से इसको सेपरेशन कर रहा हूं, जो कि चिन है। आप भी अगर करो तो इसको बहुत ध्यान से करना, ये चिन को डार्क कर रहा हूं मैं, ना कि नेक को, ठीक है? तो चिन की लाइन शार्प होगी, उससे कि नेक आराम से अलग दिखने लगेगा। ओके सर, और फिर इसे मैं डार्क चला रहा हूं, लेकिन उतना ही डार्क रख रहा हूं कि जो मैंने अभी ऊपर ब्लैक चलाया है वो मर्ज ना हो जाए। सर ये ब्लैक चला रहे हो? नहीं नहीं ब्राउन ही है, ब्राउन ही है, डार्क ब्राउन है ये, और डार्क ब्राउन को ही मैं यूज कर रहा हूं अभी, क्योंकि नीचे नेक के नीचे शेडो है, और शेडो है तो यहाँ पे लाइट हो नहीं सकती है, तो उसे आपको डार्क करना होगा। और थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ डार्क करोगे कि जो लाइन है वो सेपरेट हो जाए, चिन अलग से दिखनी चाहिए, नेक अलग से दिखना चाहिए, और उसमें आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि डार्क कहाँ होना चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे जो अभी मेरे सामने जो रेफरेंस है उसमें जो नेक है वो लाइट है कंपैरेटिवली चिन, ये जो हमारी जॉ बना रहा हूं मैं इसके हिसाब से वो लाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले भी इसको हमने डार्क किया था, अब एक नेक्स्ट लेवल का डार्क मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, और फिर नीचे तो डार्क होगा ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन भी है, तो यहाँ पे मैं पेंसिल को थोड़ा सा राउंड राउंड चला रहा हूं, अब आप लोग अपने रेफरेंस को भी टैली करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना वाइट तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस वाइट को इस चिन से कंपेयर करता हूं तो बहुत डार्क टोन है ये। तो उस पर कौन सा कलर लगना चाहिए? फेस पे कोई ऐसी जगह है जहां पे ये कलर लगा हुआ हो?
ब्राउन जो यहां पे लगना चाहिए इस लाइट पे, एक देखो जरा, अब तक मैं कलर करता हूं आइडियल ऐसे। तो मैंने ब्राउन लगाया है, हाँ रेड बेसिकली पीच कलर है ना, पीच हाँ कलर का डार्कर वर्जन है। और पीच कलर हमने कैसे बनाया है, इसमें थोड़ा सा रेड ऐड करते हैं, रेड का हल्का हल्की सी एक कोटिंग। अपनी आईज को बीच बीच में स्क्विंट करके देखते रहो। ये ब्राउन अच्छा देखिए राइट, ये वाला भी ब्राउन। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जरा वॉल्यूम दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा वॉल्यूम है इसमें। हाँ आप लाइव वीडियो भी बना रहे हो साथ में, देखो ना रिकॉर्डिंग लाइव। हाँ क्या कह रहे हो? आप लाइव वीडियो भी बना रहे हो ना साथ में। हाँ सर सही है, आपकी सारी वीडियोस तो मुझे यहीं मिल जाएगी। मैं अभी वैसे बीच में गया हूं, मैं इसमें ना 10 मिनट हुए शायद, 10 मिनट ओके हुए। और हाँ दूसरी हाँ बात ये है कि वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं ना। वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा जा। तो बीच बीच में थोड़े थोड़े से लाइव व्यूज दे देते हैं। हाँ नहीं सही है, मेरे बेटे ने लाके दिखाया मुझे, कह रहा मम्मी देखो सर लाइव भी सिखा रहे हैं आप दिख रहे हो उसमें? अच्छा नहीं हम नहीं दिख रहे सर, आप ही दिख रहे हो बहुत सॉफ्ट एज होना चाहिए ये, बहुत शार्प एंड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जब इसको करोगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टली यूज करना कलर्स को। देख रही हूँ अब ये एरिया देखो कितना वाइट है अभी, लेकिन जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसमें काफी डार्क है। और उसकी शेप को भी देखो, अपनी अपने रेफरेंस को ओवरऑल तरीके से देखना बहुत जरूरी है। वही जो मैं स्क्विंट आइज करके बोल रहा हूँ, स्क्विंट आइज करके देखते रहो और उस हिसाब से उसके टोन्स को लगाते रहो। अपने रेफरेंस को भी देखो और अपने आर्टवर्क को भी, दोनों को ही देखो। और हाँ हाँ अभी डार्क है सॉरी अभी लाइट है ना। राइट अब इसके छोटे छोटे हेयर्स भी तो बनेंगे ना। हाँ, अभी तो हेयर हैं काफी, है काफी कुछ है। स्किन का पार्ट था, मैंने सोचा इसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा येलोइश है तो इसमें मैं ब्राउन यूज कर रहा हूं, जो कि येलो जैसा ही चलता है। यहाँ पे डार्क शेडो है क्योंकि स्वेटर का आपका हाँ शेडो दिखाई दे रहा है। राइट, सर इतनी बारीकी कैसे दिखाती है आप, देखो मतलब कि डिटेलिंग आप बोल रहे हो तो वो कलर ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। आप लोग भी अभी बनाते रहोगे ना, तो धीरे धीरे डिटेलिंग में दिखाता रहूंगा आप लोगों को। आप जब बनाओगे, चेक करोगे तो उसमें चेक करवाओगे हम।
तो बिना डिटेलिंग के तो छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को छोड़ते नहीं। सही है सर। तो जब एक ड्राइंग बनाओगे, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, तो आप भी उसके यूज्ड टू हो जाओगे कि इतनी डिटेलिंग होती है और देखना कैसे चाहिए और अप्लाई कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें। सर 18 to 19 डॉलर के आएंगे वो कलर्स प्रिज्मा के, 150 शेड्स। 150 शेड्स, $19 कितने हो गए? सर 18 डॉलर्स मतलब आपके 7,000 के आसपास के हो गए, 6.5-7। वो कह रहा है भाई 18 डॉलर या 19 डॉलर इतने के आ जाएंगे। हाँ तो बहुत सस्ते हैं बहुत सस्ते यहाँ हैं। तो। आई थिंक 6-7 thousand के 72 शेड्स थे। 72 शेड्स है। हाँ मैंने यहाँ से मंगवाए थे, 48 शेड्स वाले मंगवाए थे, वो मेरे आई थिंक 5,000 के आसपास के आए थे। हाँ अच्छा वो मेरे भाई ने देखी ना, तो उसने बोला तू यहाँ से मत मंगवाया कर, तेरे को जो चाहिए मुझे बोल दिया कर, मैं वहां से भेज दूंगा। तुम बढ़िया है। तू कहेगा और भी कोई चीज हो ना तो मुझे बता दिया कर, फालतू में यहाँ पे पैसे खर्च किए, वहां से भेज दूंगा। और वहां का मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है यहाँ से। राइट, ये मैंने सुना है, ये वाली चीज क्वालिटी हाँ भी अच्छी मिलेगी और प्राइस भी आपको कम मिलेगा, प्राइस भी कम मिलेगा। और इंडिया में शायद थोड़ा सा लो क्वालिटी। हाँ सर आप मुझे 2-3 चीजें और बता देना जो मेरे काम आएगी, अभी आएगा वो जून में तो उसे मंगवा लूंगी। राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा डार्क आ रहा है, इसमें शेडो आ रहा है, प्लस इसमें भी शुरू वॉल्यूम आना शुरू हुआ। अब हो गया। इसमें हम अब ये एरिया देखोगे कितना ज्यादा लाइट नजर आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा। ब्राउन होगा ना, और तो शुरू में जब हम अप्लाई करते हैं कोई कलर तो ऐसा लगता है कि बहुत ही डार्क हो गया ये, क्योंकि व्हाइट पे लगा रहे होते हैं, लेकिन जब जब हाँ जैसे जैसे जी उसके आसपास की चीजें फाइनल होती जाती हैं, डार्क होती जाती हैं, तो उसका एक्चुअल पता चल पाता है कि इसे और डार्क करने की जरूरत है। तो सर हमें सबसे पहले लाइट कलर को अप्लाई करके डिटेलिंग करनी चाहिए, जैसे अब अभी लाइट को डार्क बाद में कर रहे हो तो उसी तरह से करना चाहिए हमेशा। मैं भी आप लोगों के साथ ये मेथड इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कलर पेंसिल को डार्क करके अगर गलती से वो डार्क हो जाता है तो उसको इरेज करके ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग वैसा चांस मत लो, नहीं आप लेयर बाय लेयर करो, धीरे धीरे उसको आपकी समझ भी वैसे डेवलप होती जाएगी, कौन सा पार्ट कितना डार्क है, कितना डार्क करना चाहिए, लाइट कितना करना चाहिए, वो सेंस आपके धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी आप लोग इस तरीके से करते जाएंगे तो। और जैसे कई लोग होते हैं जो कैसे काम करते हैं कि एक एक एरिया फाइनल करते हुए चलते हैं, तो सबका अपना तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि मैं सभी एरियाज पे थोड़ा थोड़ा काम करते हुए चलता हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे किया, थोड़ा इधर किया, थोड़ा इधर किया, तो ये काम करते करते थोड़ा सा उसका आइडिया लगता है, ये काम तो ये सारे एक साथ होते जाते हैं और उसके जो शेड्स हैं वो प्रॉपरली निकलते जाते हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे ब्राउन का फील हो रहा है तो मैं इस पे ब्राउन अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक व्हाइट दिख रहा है तब तक आप कोई भी कलर इस पे चला सकते हो। इसमें भी जैसे व्हाइट का टेक्सचर नजर आ रहा है, में भी थोड़ा सा ब्राउनिश है, ब्राउन अप्लाई कर रहे हैं। आप भी साथ साथ कर रहे हो या क्या कर रहे हो? सर मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है ना, तो मैं अभी जो जो समझ में आ रहा है वही कर रही हूँ। सर मैं नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक मैं बाद में हाँ है, कोई नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग से देख लेना, कर लेना। जी हाँ जी। सर आप पिछली रिकॉर्डिंग भी प्लीज शेयर कर देना और आज वाली भी। ठीक, हाँ
अब अपने पूरा का पूरा डार्क कर दिया। ये अभी और डार्क होगा ये। अच्छा। अगर मैं फेस से कंपेयर करूंगा तो ये बहुत डार्क होना चाहिए, फेस के कंपैरेटिवली अभी भी डार्क हुआ है लेकिन और डार्क होगा। अब जब यहाँ पे ब्लैक आएगा ना तो इन सब की असलियत पता चलेगी। ब्लैक आते ही ये सारे जो अभी डार्क लग रहे हैं ना ये और लाइट लगने लग जाएंगे, तो इसमें तो अभी बहुत डार्क होने की जरूरत है। ये व्हाइट दिख रहा है, बेसिकली व्हाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है तो लेकिन इधर व्हाइट दिख रहा है, इट मीन्स ये जो हमारा अभी आर्टवर्क है वो और डार्क होना चाहिए। ये रेफरेंस अच्छा चले तो ठीक है, तो अभी ब्लैक मैंने ऐड करा नहीं, ब्लैक को मैं लास्ट में ही ऐड करता हूँ। सब ब्लैक कहाँ नेक पे आएगा इसके और साइड्स पे आएगा? चिन पे आएगा, थोड़ा सा इस पे भी आएगा, राइट। तो उससे पहले आपने ब्लैक करने से पहले ना जितने पॉसिबल कलर्स हैं वो वहां पे जरूर लगा लो। अब आप ब्लैक लगा रहे हो? नहीं ये ब्राउन ही है, मैं अभी ब्लैक नहीं लगा रहा, जब तक ये मेरा बेस पूरा फाइनल नहीं होगा मैं ब्लैक नहीं लगाऊंगा। तो कटर से काटते हो कलर? क्या कह रहे हो? कटर से कट करते हो? हाँ, से अपने अकॉर्डिंग उसको शार्प करना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। बाकी कटर से करो या शार्पनर से करो, बस आपका जो पॉइंट है वो ठीक से बनना चाहिए, लेड नहीं टूटनी चाहिए। लेड तो बहुत टूटती है सर, मेरी तो बहुत टूटती है लेड सर, शार्पनर से करने में। शार्पनर तो नहीं किया मैंने शार्पनर। हाँ सर शार्पनर चेंज करो, क्योंकि शार्पनर के ना ब्लेड जो हैं वो भी धीरे धीरे वो खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी लेड टूटने लगती है। ओके तो हर थोड़े टाइम पे ना शार्पनर फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए आपको। अगर आप महंगे कलर्स यूज कर रहे हो, और वो ज्यादातर वजह यही रहती है, शार्पनर ही मेन वजह रहती है जिसकी वजह से वो टूटते हैं। और इन स्टेडलर का वैसे तो ब्लैक नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी सर, ब्लैक कलर भी ब्लैक नहीं चलता है। हाँ कलर पेंसिल। वो तो ब्लैक कलर भी सभी कलर्स में अलग अलग तरीके के ब्लैक होते हैं। प्योर ब्लैक जो एग्जैक्ट ब्लैक होता है वो होता ही नहीं है। अब ये वाला एरिया मुझे मरून से लग रहा है कि होना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा रेड फील है, डार्क रेड, राइट। तो ये डार्क रेड जो है मैं इसके साथ अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको करने के बाद पता चलता है कि ये वाला सेक्शन भी और डार्क होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका आर्टवर्क कंप्लीट होता जाएगा आप लोगों को इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो लगने लगेंगे, ठीक है ना, वो पता चलेंगे कि और कहाँ पे कितना डार्क करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लो, और बाकी हम लोग
नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं. एटलीस्ट आप लोग ईयर और ये वाला ईयर भी है यहाँ पे छोटा सा. दिया कि नहीं दिया? छोटा सा इधर. हाँ सर मैंने दे दे हाँ दे रखा है सर. तो इसको भी छोटा सा है सर. कर लेता हूँ. और थोड़ा सा ब्राउन है. ब्राउन की वजह से वो सेपरेट होके पता चलता है. तो ब्राउन क्या है? हमारा जॉ लाइन है. तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करके सेपरेट कर लेते हैं ताकि वो मिक्स ना हो जाए. और ये जो है पिंक है, इसके ऊपर एक पिंक अप्लाई करते हैं. तो ये काफी अच्छा कलर है इसके स्किन के लिए. इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. राइट. तो और कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को भी? नहीं सर फिलहाल तो नहीं. फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. जी सर. ओके सर. सर जितना मेरा बना है एक बार आप देख लीजिए. थोड़ा बहुत बनाया तो सही जा रहा है. बल्कि मैंने नेक अभी छेड़ा नहीं. मैंने तो उसको ड्रॉ करूंगी प्रॉपर उसके बाद ही. तो अभी एटलीस्ट जितना बना है उतना आप देख लीजिए. ओके सर देखना इसकी वो मतलब सही जा रही है शेप इसके फेस की. हाँ सही जा रही है. जो ये चिन का पार्ट है ना इस सेंटर में जो ये पार्टीशन दिख रहा है. हाँ जी. ये पार्ट बहुत हल्का सा मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हो गया है. बहुत हल्का सा. ओके. इसको हल्का सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट करना चाहिए या फिर सर आप अपने ये वाला जो पोर्शन है बता. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो. ब्लैक से ना ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो. मतलब मेरा अंदर चला गया थोड़ा सा. राइट राइट. हल्का सा बाहर की तरफ. ओके 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 ओके. बाकी जो सर ये सेंटर वाला आ रहा है ये ठीक आ रहा है? ये राइट. अभी क्या है कि ये काफी पॉइंटेड लग रहा है तो यहाँ पे जब शेड लगाओगे तो इसको फिल कर देना इस तरफ. हल्का सा मर्ज रखना सेंटर पॉइंट. ओके पॉइंटेड नहीं होना चाहिए. ठीक है सर. ठीक ठीक है. मेरा ये भी पॉइंटेड जा रहा है ना. ये भी मेरा तीखा सा निकल रहा है. इसको थोड़ा सा बाहर को करना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक है. बाकी सर ये वाला पोर्शन जो है ये देखना स्पेस जो है ये ठीक आ रहा है. ये वाला हाँ ठीक है. अभी यहाँ पे बाल बनेंगे तो यहाँ पे डार्क शेड आएगा तो ये लगने लग जाएगा. राइट. ठीक है. ओके सर. ठीक है. ठीक ठीक है सर. ओके गुड. बाय सर. ओके ओके गाइस बाय बाय. ओके सर बाय बाय सर. बाय सर. रिकॉर्डिंग अभी भेज देना फिर वो रह जाती है. मैं अभी भेज देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग. सर पिछली वाली सर. राइट ठीक है. ओके सर बाय.